मुरादाबाद में एटीएम तोड़कर पैसे चोरी की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दीनदयाल नगर साईं मंदिर के सामने डू एच बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास करते हुए दो लोगों की सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई थी कैद, जिसके बाद आरोपी युवक विनीत और एक अन्य को हिरासत में लिया गया है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा विहार दीनदयाल नगर के साईं मंदिर के सामने डू एच बैंक का एटीएम है। रविवार देर रात एटीएम में युवक अंदर घुसे और एटीएम को तोड़ने का प्रयास करने लगे। तभी एटीएम पर तैनात गार्ड खाना खाकर मौके पर पहुंचा, जहां युवकों ने खुद को एटीएम मेंटेनेंस कंपनी का बताकर गार्ड को वहां से जाने को कहा। इस दौरान गार्ड से बहस हुई, जहां हाथापाई भी हुई। गार्ड को शक हुआ और उसने युवक को अंदर धक्का देकर बाहर से शटर बंद कर दिया और अपने उच्च अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, सिविल लाइन पुलिस ने मौके से दो युवकों को एटीएम खोलने वाले उपकरण और बैग सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये रामगंगा विहार में कल रात को लगभग 11:30-12 बजे एक व्यक्ति ने वहाँ पे एटीएम मशीन खोलने की कोशिश की थी। उस समय गार्ड थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तो जैसे उसने बाहर आया तो इस व्यक्ति को गार्ड ने पकड़ लिया और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और सिविल लाइन पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ की जा रही है और इस आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। दो लोग मौके से मिले हैं। क्या बता रहा है इनके साथ और भी कोई साथी थे? यही दो, अपने दो लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ये गए थे और इनका प्रयास है कि एटीएम मशीन को खोलकर जो भी उसमें कैश है उसको ले जाना, बट लेकिन इस प्रयास में वो असफल रहे।